हे ऑल गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होगे, घर पे होगे, सुरक्षित होगे। गाइज सब ने अपना आंसर की उम्मीद करता हूँ चेक कर लिया होगा। और सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैंने ही दिया था, ये कई लोगों ने भी बताया, आप में से भी बताया। और आज की इस वीडियो में देखो जनरली हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो आंसर की आ गई है, उसके बाद से क्या करना है, एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा उसके बाद से क्या करना है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी और कट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर तुम्हें वीडियो पसंद ना आए, तुम्हें इन सब चीज़ों से नहीं मतलब था, कमेंटबाजी में कमेंट मत किया करो, ठीक है। मेरे पास क्या है कि मैं किसी भी चीज़ का फैक्ट बताता हूँ और जो रियल इन्फॉर्मेशन होता है 100% श्योर होता है वो बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें क्या हुआ, कुछ अच्छे लोग हैं, पता नहीं कैसे घर द्वार पर रहते हैं या इंसानियत है उनके अंदर या सब कुछ घोर के पी गए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं फर्जी इन्फॉर्मेशन ये है वो है। भैया अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करने नहीं आता है तो दूसरे पे मत गड़गड़ाइए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सुन लो यार, देखो अगर नहीं देखना चले जाओ, तुम हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ तुम्हारे जैसे। देखो जब से मैं चैनल पर हूँ कई सारे, देखो चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे कई सारे ट्यूबमेट हो, टीचमेट हो, इतने सारे लोगों का स्पॉन्सर किया लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, मैंने डिनाई कर दिया। मैं चाहता था कि ये यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां मैं सब कुछ दे दूं फ्री में, लोगों के लिए आसान कर दूं, लोगों को डिजिटल बना दूं, सब कुछ सिखा दूं और जो भी अपडेट हो वो टाइम से दे दूं कि किसी बात के लिए किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, अब फर्जी कमेंट करने चले आते हैं। भैया आपको नहीं देखना वीडियो मत देखिए, लाइक डिसलाइक करना कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा, ना मुझे व्यूज़ से मतलब है ना कोई, पता नहीं कौन था ये कह रहा व्यूज़ बढ़ाना है, अरे भैया कोई व्यूज़ से मतलब नहीं, पसंद है मत देखो, ठीक है। चलो इस सभी बातें छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिसको पसंद है वो वीडियो देखो, जिसे नहीं पसंद है मत देखो। नेक्स्ट शुरू करते हैं कि आज की आंसर की आ गई, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट का प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट जो आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो 16 तारीख के बाद आएगा, 16 अगस्त के बाद रिजल्ट आने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। भैया एग्जैक्ट डेट बता दो। अब एग्जैक्ट डेट मैं कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर की के लिए मैंने डेट बताया था कि आज आ जाएगी 11 बजे तक, तो आंसर की क्या क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 1 घंटा लेट से डाला वेबसाइट पर, आज लोग चेक करने वाले नहीं चेक किए तो कमेंटबाजी करने लगे, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो भैया कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ का क्या सीन है, तो कट ऑफ का देखो, कट ऑफ यहाँ पे कोई भी यूट्यूब पे 100% सही कट ऑफ नहीं बता पाएगा, ये सब फर्जी वाले आज तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे, तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कट ऑफ का टेंशन मत लो भैया, देख लिया। देखो हम लोगों का जहाँ तक मानना होता है पिछले 3-4 सालों से लखनऊ विश्वविद्यालय में है लोग, तो इतना देखते हैं लोग, जो लड़का 65+ क्वेश्चन बीकॉम में सही करता है उसका एडमिशन मिलता है। भैया आप बीकॉम ही की बात क्यों करते हो, क्यों ना बीए LLB या इन सब की बातें करते हो। देखो हम क्या बताएं, हम बीकॉम के स्टूडेंट हैं इसीलिए हम बीकॉम की बात करते हैं, तो क्या बीए वाले के लिए क्या होगा। देखो बीए हुए वालों सबके लिए मतलब यही क्राइटेरिया होता है कि अगर 60 क्वेश्चन से ज़्यादा सही है तो कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, ये हर कोर्सेस में यही होता है, हमेशा ऊपर जाता है। तो भैया रिजल्ट के कितने दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो 3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनवाने हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया। फाइनल एडमिशन कब तक हो जाएगा, तो फाइनल एडमिशन जो होगा तुम्हारा वो अक्टूबर लास्ट तक फाइनल हो जाएगा, मीन्स जो तुम्हारा 16 तारीख को रिजल्ट आएगा 19, तो वही मान लो तुम्हारे 25 सितंबर के बाद से तुम्हें फाइनल एडमिशन का लेटर तुम्हें मिलने लगेगा लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे। भैया काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो मैं तुम्हें भी बता दे रहा हूँ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी पूरे तो ऑनलाइन होगी, ठीक है। भैया अगर मेरे पास कोई भी सवाल हो तो मैं क्या करूँ, देखो तुम्हारे पास अगर कोई भी सवाल हो तो हमें मेल के माध्यम से help@luupdate.com पे ज़रूर भेजना, ठीक है। और कल के दिन मैं अपने इंस्टाग्राम पेज @luupdate पे लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, 6 बजे लाइव आऊँगा। तुम्हारे मन में जितना सवाल होगा तुम लेके आना, मैं ट्राई करूँगा कि सारे सवाल के तुम्हारे जवाब दूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी तुमको पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ना देखने वालों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा मत किया करो, तुम्हें नहीं पसंद है तो छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच।